أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हाजीज़ ऑनलाइन बुटीक के साथ हाजीज़ ऑनलाइन सेंटर के साथ एक दफ़ा फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे और मिजाज बखैर होंगे इंशाल्लाह। आज आप सोच रहे होंगे कि हमारा मोबाइल कितना ज़्यादा क्यों हिल रहा है, क्योंकि आज हम आपको अपने वादे के मुताबिक दिखाने के लिए आए हैं अपना स्टॉक, ताकि आप लोग सुकून से देखें चीज़ें और जो जो चीज़ें आप ऑर्डर करना चाहें वो आप हमें ऑर्डर कर सकें। तो आज हमारे मोबाइल में फिर एक मसला हुआ है कि ये रोटेट नहीं होगा, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। हम आपको दिखाते हैं थोड़ा सा एक मोबाइल की सेटिंग करने। जी जनाब, तो आज हमने सोचा था आपको हम दिखाएंगे अपनी सारी सेटिंग, अपनी जो हमारा स्टॉक मौजूद है हमारे पास उसकी सारी सेटिंग, ताकि आप लोग हमें अच्छी तरह देख के हमें कमेंट्स कर सकें और बता सकें कि हमें इसमें ये नज़र आ रहा है, यू करके सॉरी ऐसा नज़र आ रहा है, उल्टा वर्टिकल नज़र आ रहा है, दिखाइए अच्छा, तो अभी हमें मोबाइल सीधा रखना पड़ेगा। ये थोड़ी सी ऐसे में आज हम स्टैंड लेके आए थे तो उसमें हमने लाइव शुरू कर दिया और हमने इसको रोटेट किया ही नहीं, मोबाइल को रोटेट नहीं किया, इस वजह से ये सारा मसला हुआ है। चले कोई मसला नहीं है, अल्लाह मालिक है। दो हमारे साथ व्यूवर्स मौजूद हैं, प्लीज़ शेयरिंग कर दीजिएगा, आज हम एक ही मोबाइल में कमेंट्स पढ़ पाएंगे। तो माई ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अब बस मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। माई ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सारी चीज़ें दिखाती रहेंगी और चीज़ों के बारे में बताती रहेंगी। नहीं ओके, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई सबके। हमने आपको दिन से ये कह रहे थे कि देखिए हम आपको अपना स्टॉक दिखाएंगे, हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं, तो हम अपनी सेटिंग वाकई ही कर रहे थे, हम बता रहे थे कि देखिए हम सेटिंग कर रहे हैं और सेटिंग करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था। हम चाह रहे थे कि हम डिफरेंट हम कर चुके थे, बट डिफरेंट करने के बेसिस के ऊपर ये हुआ था कि डिफरेंट के अंदर भी हमने हर तरह से किया था अलग अलग, बट हमारा दिल था कि हम सारा एक साथ दिखाएं, बट हम दिखा नहीं पा रहे थे। आज आप देखिए कि हमारा स्टॉक कितनी तादाद में हम लोगों के पास मौजूद है, ठीक है ना। ये हमारे पास कम स्टॉक नहीं होता, हमारे पास काफ़ी स्टॉक मौजूद होता है, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ पे हर टाइप की चीज़ मौजूद होती है, आपको नज़र आ रही होगी। अगर ये देखिए, ये आई थिंक सो कि हाँ यहाँ नज़र आ रही है। थोड़ा सा दिन लगेंगे, क्योंकि जब आपको याद होगा हम जब फर्स्ट टाइम लाइव आए थे तो हमें नहीं करना आ रहा था, लेकिन इंसान अपनी एक्सपीरियंस से और कंटिन्यूस स्ट्रगल से सीख जाता है। अब देखिए आज हम लाइव थोड़ा सा हिलजुल रहा है, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम ये अपना मसला भी जैसे हम लाइव देखते हैं तो हम वाला इशू भी अपना सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक ग्लैम दिखा रही हूँ कि जैसे आप देख सकें कि विद इन अ सेकेंड के सारा का सारा हमारे पास, अच्छा ये जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है जस्ट देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको डिटेलिंग करूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास हर चीज़ का बहुत स्टॉक होता है। हम जो कहते हैं ना कि हम केजी में भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम जो कहते हैं तो मतलब ऐसे ही नहीं कहते, हम उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। आप ये स्टॉक देख सकते हैं कि हमारे पास कितना ज़्यादा स्टॉक मौजूद है हर चीज़ का। अच्छा यहाँ सेटिंग जो हुई है ना, अब जो हमने की है वो हमने की है
सेटिंग हर चीज़ को ना हमने उससे किया हुआ है, क्या कहते हैं, डिफरेंट वे से किया हुआ है। मतलब कि अगर मैं इस बॉक्स की बात करूँ, यहाँ स्टार्ट कर दें, अगर मैं इस बॉक्स से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे आपको मोबाइल स्टैंड पे लगा दें, वरना ये कॉल जाती रहेंगी, हम तंग होते रहेंगे। हाँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर की हमारी कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो थोड़ा में इशू होता है। अच्छा जी, वजिया अली मोहम्मद अहमद साहिब कह रहे हैं नाइस व्यू, एंड वजिया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी बहन, वेलकम। हाँ वेलकम वजीहा, आपका नहीं कल के लिए बता दें। देखिए अभी हम थोड़ा सा सेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। कल के जो शेयरर्स थे हमारे पास, जो शेयरर्स के नाम हमारे पास आए थे, उसमें थी ये मोहम्मद अहमद अंसारी, वजीहा आप और शुमाइला फहाद, इन तीन के नाम के आगे शेयर लिखा हुआ आया था। एक और भी था, ये इन तीनों के नाम के आगे शेयरर आया था। तो शेयरर्स जो हैं वो हमने वो लिस्ट में आ गए हैं। अब उसका तरीका क्या होता है, हम इंशाल्लाह शेयरर का तरीका कार दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से शेयरर्स जो हैं वो अपना नाम करवा सकते हैं, आगे कर सकते हैं, और किस तरह से वो इनाम मिलेगा उसको। ठीक है ना, हमारी बहनें जो हैं वो कमेंट्स नहीं करती हैं लेकिन शेयरिंग करती हैं। हाँ, तो हम जो बाद में जब एंड करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि गुमनाम बहन है हमारी, उन्होंने शेयरिंग कर दी। अब वो अगर शेयरिंग करके कमेंट्स कर देंगी तो उसमें ये होगा कि उनका नाम भी लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, इसलिए कि क्या वो नाम उनका आ जाएगा ना, तो ये है कि हमारा बस अस्सलाम वालेकुम भी कह देंगी तो उनका ये होगा, हमारे पास नाम आ जाएगा। अब पहले हम क्या कर रहे थे कि कंटिन्यूस हम जो आ रहा था तो हम उससे बता रहे थे भाई, वेलकम कर रहे थे, लेकिन अब हमने अपनी पॉलिसी चेंज की है, थोड़ी पॉलिसी चेंज की है। अब हम सिर्फ उसका नाम मतलब उसको करेंगे, हम सिर्फ उसका करेंगे जो कि हमारा मतलब अस्सलाम वालेकुम कहेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि कुछ अपने आप को हाइट रखना चाहती हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली भी जब स्टार्टिंग के अंदर मुझे ये क्रेज़ स्टार्ट हुआ था कि मुझे देखना है ये लाइव सेशन, तो मैं भी क्या करती थी कि नहीं बोलती होती थी, खामोशी से लाइव सेशन देख रही होती थी। तो हो सकता है कि कोई लाइव सेशन देखे और ना बोले तो उसका भी रीज़न ये हो सकता है कि उसकी वो नहीं होगी। मुझे पूछिए कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र वजीहा, हम ठीक हैं। आपका लकी ड्रॉ का पहला नाम स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना, आपका मैंने कहा आपको बता दूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बताने के लिए। अब किसी को कहीं भी रोकना हो तो वो हमें रोक सकता है, वो हमें रोक सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ कंसीलर के साथ। अब देखिए कंसीलर जो है ना हमारे पास, ठीक है, ये कंसीलर हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में, अब ये देखिए यहाँ पे अच्छा खासा स्टॉक कंसीलर का मौजूद है। और कंसीलर सिर्फ ये ही नहीं कि ये कलर करेक्टर, यहाँ पे ये कलर करेक्टर है तो कलर करेक्टर यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कंसीलर की भी एक बहुत बड़ी रेंज हमारे पास कंसीलर की मौजूद है। जैसे ये कलर करेक्टर मौजूद है हमारे पास, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा सेल के अंदर 300 का ये आपको मिलेगा। इसके अलावा कंसीलर के यहाँ पे ये पॉलिस्टिक, अगर आप लोगों को याद होगी तो ये पॉलिस्टिक कंसीलर की मैं आपको दिखाऊँ, इसका ओपन व्यू आपको नज़र आएगा तो आप पहचान जाएंगे इसका। ठीक है, ये लुक एट दिस, ठीक है, ये आप देखिए मोहम्मद अमन सारी और वजिया जो है उन्होंने माशाल्लाह कहा है और कार नाइस कलेक्शन। थैंक यू मोहम्मद अमन सारी एंड वजिया। और बॉक्सेस में रखने का बेसिक रीज़न जो है वो यहाँ की बेतहाशा मिट्टी है, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, जिसकी वजह से हमने इनको बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब हमारा वो ख़त्म होगा लाइव सेशन, हम देन बॉक्सेस के जो ऊपर की जो है ना वो कवरिंग करके उसे क्लोज कर देंगे, तो हमें इशू नहीं होगा। आपका इतना इशू नहीं, लेकिन हमें इशू हो रहा था, जिसकी वजह से हमने इसको ये वाला डिसीजन हमें लेना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे कंसीलर स्टिक मौजूद है, ये कंसीलर स्टिक बहुत आप कन्वीनियंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको यहाँ पे ब्राउज़र की तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, हाँ, ठीक है, ये इसका ये एज अ कंसीलर आप यूज़ करते हैं। तो ये ब्राउज़र एंड कंसीलर बहुत आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद, ये देखिए लुक एट दिस, ठीक है, ये 200 की हमारे पास मौजूद है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको याद होगा, ये इसके ये ब्लैक के साथ दिए वैसे मेरे पास, ये देखिए ये ब्लैक के साथ असल में एक ही है, इसलिए मैं दिखा दी थी, ये कोई भी आएगा ऐसे लेके चले जाएगा। मतलब चूँकि ये चीज़ें आके यहाँ से भी लोग लेके जाते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये मौजूद है, ये पिंक कलर के अंदर मौजूद है, आप ये देखें। इसके साथ यहाँ पे ये मौजूद है, इट्स स्पंज लाइक मतलब स्पंज लाइक चीज़ है, जो स्पंज होता ना जो हम यूज़ कर रहे होते हैं उस तरह की ये चीज़ है। इट्स नॉट कंसीलर, ठीक है। मैं आपको उसको टच करके नहीं दिखाऊंगी, जस्ट इट्स कंसीलर। नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इस कंसीलर के अंदर आप ये इज़ नॉट कंसीलर, ठीक है ना, ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप जब आप ये कर लेंगी तो इसके बाद जहाँ ये करने के बाद इसको आप स्क्रीन में लेके इसके बाद आप क्या करेंगी कि इसका ये इस आप आइस के नीचे लगा सकती हैं या इसको ब्लेंडिंग के तौर पे भी आप इसको काम में ले सकती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास एक सिटी कलर वालों की हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। ये सिटी कलर वालों की मौजूद है। इस सिटी कलर वालों की ये जो स्टिक है, ये सॉरी अलग, ये जो हमारे पास सिटी कलर वालों की पैलेट है, ठीक है ना, इट्स अ कंसीलर पैलेट, ये लुक एट दिस। और आपको इसी के अंदर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ब्राउज़र भी है और ऑरेंज कलर जो बोल रहे होते हैं, जो कि हम किसी भी पिंपल्स को छुपाने के लिए या आइस की जो डार्क सर्किल है उसको छुपाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उसके लिए। और यहाँ पे कंसीलर जो हम कलर जो ब्राउज़र है हम वो यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे कंसीलर के सारे करेक्टर मौजूद हैं और यहाँ पे फाउंडेशन के तौर पर, मतलब अगर ये सिर्फ एक ही आप सिटी कलर वालों की लेंगे तो भी आपको पूरी की पूरी फैमिली के लिए बहुत सूटेबल होगी। वीडियो बराबर ब्लैक हो रही है, वीडियो भैया वीडियो ब्लैक हो रही है। हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा इशू आ रहा हो हमें, क्योंकि हमने कहा ना कि हम थोड़ी सेटिंग कर रहे थे और इतनी जल्दी सेटिंग अभी नए नए हैं ना, तो शायद क्या पता कि जो नया सेटअप है उसकी बेसिस के ऊपर ये हो रहा हो, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि किस लिए ये हो रहा है। अच्छा बहरहाल मैंने आपको दिखा दिया था चीज उसके अंदर। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर भी तीनों शेड मौजूद हैं, देखिए ना, इसके अंदर तीनों शेड मौजूद हैं। यहाँ पे यहाँ अगर आप देखें, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए इसको, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन मौजूद है, या अगर आप समझें तो हमारे पास कंसीलर, मतलब ये कंसीलर मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास ये ब्राउज़र मौजूद है। ये तीनों भी हमारे पास यहाँ पे एक ही उसके अंदर मौजूद हैं 200 के अंदर, ठीक है। और जो बड़ी वाली पैलेट दिखाई है आपको, मेरी वीडियो सही नज़र आ रही है, ठीक है ठीक है, आपको वजी है, आपको इंशाल्लाह सही नज़र आ जाएगी। हो सकता है कि थोड़ी वहाँ की इशू हो सकता है कि वहाँ का इशू ना हो, यहाँ की वजह से इशू आपको हो रहा हो, दोनों बेसिस पे इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको सही नज़र आ जाएगी। अच्छा, कंसीलर के अंदर हमारे पास ये कंसीलर हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और कंसीलर भी मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कहाँ गया, ठीक है, ये देखें कंसीलर, ये जो हम कंसीलर में आपको अब देखें, फोकस नज़र आ रहा है आपको, ये कंसीलर भी क्रीम कंसीलर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाईलाइट जो है इसके अंदर, ये मतलब कि आप इसको आइस के नीचे लगा सकते हैं,
और जस्ट अगर किसी का फेयर कलर हो तो जस्ट ये ही यूज़ एज अ फाउंडेशन, जो कि बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं ख़ुद पर्सनली भी कंसीलर को एज अ फाउंडेशन यूज़ करके जल्दी में भाग भी जाती हूँ कि भाई, क्योंकि जल्दी में अगर हमें मेकअप करना होता है, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो हम बहुत जल्दी में मेकअप करते हैं। हम मेकअप एक्सपर्ट इतने हैं कि हम 10 मिनट के अंदर भी बहुत जल्दी, 10 मिनट में क्या 5 मिनट भी फैलते हैं तो हम मेकअप पूरा कंप्लीट करके भाग जाते हैं। तो जब हमें जल्दी होती है तो हम यही करते हैं कि 5 मिनट में भी हम अपना मेकअप करते हैं और अपने जॉब पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है 150 का। वजह के लिए डार्क ब्लू कलर में क्या है और हुदा की लिपस्टिक है वहाँ रखा हुआ है। जी जी, हुदा की लिपस्टिक मैं आपको दिखा देती हूँ, ये डार्क ब्लू कलर जो आपकी लिपस्टिक है, जहाँ पे हुदा की लिपस्टिक है वहाँ रखा हुआ है। इसी का पूछ रही ना, हुदा की लिपस्टिक यहाँ नहीं रखी हुई, रखी हुई। अच्छा, ये हाँ सही कह रही है, बिल्कुल आप अजिया, ये मतलब है कि आपको व्यू माशाल्लाह काफी क्लियर नजर आ रहा है। और ये देखिए, आज हमने इससे क्या कहते हैं वो लिया है, क्या कहते हैं, एक बस लाइट हमने चेंज की और कोई वजह नहीं है इसके खूबसूरत होने की, बेचारा मोबाइल वही है। ये एक फाउंडेशन है जिसकी मैंने आपको याद होगा डेमो भी दिया था और बहुत इसकी तारीफ भी की थी, आप लोगों को याद होगा। तो ये फाउंडेशन मैंने इसकी भी बहुत तारीफ की थी। और फाउंडेशन के अंदर ये देखिए, ये सारे फाउंडेशन देखिए, ये देखिए सारे फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन थे जिसकी मैं बहुत तारीफ़ कर रही थी और मैं कह रही थी कि ये फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, ये सारे ही फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं। ये देखें, ये इसके साथ का, ये पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है, ब्राउन कलर का, और लाइट आप समझ लें कि ब्राउन कलर है, एक पता नहीं इस कलर को क्या कहेंगे, मुझे कलर समझ नहीं आ रहा, कैमल कलर है नहीं, कैमल नहीं है, ये कुछ इसी टाइप का कलर है, गत्ता कलर का। हाँ, तो ये इस टाइप का कोई कलर है। बहरहाल ये इस ये सब इन तमाम कलर्स को अगर आपको याद होगा, मैं जब जिस दिन मैंने फाउंडेशन का किया था, इन सब का डेमो भी दिया था बहुत अच्छे तरीके से, तो आप देखें तो वो बहुत अच्छा नज़र आएगा। ये सब फाउंडेशन है, ठीक है, और ये बहुत अच्छे, मुझे रिंग लाइट, जी जी रिंग लाइट वजिया, ये रिंग लाइट लिए क्योंकि वो लाइट जो थी वो हम मूव नहीं कर पा रहे थे, और रिंग लाइट का ये आसानी होगी अब हम इसे मूव करें। हम अपनी चीज़ें रोज़ाना दिखाते थे लेकिन हम बहुत चीज़ें नहीं दिखाते, जैसे अब आपने कहा ना ये ब्लू क्या है, ठीक है ना, मैंने बहुत सारे सेशंस में ऐसा ही देखा है कि ये दिखा रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ें, तो सही बात है, इंसान अपनी लर्निंग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेता है। तो इस तरह से अभी आपने कहा ब्लू का है तो ऐसा ही होता था, तो जैसे आपने अभी आप पहचाना कि भाई ये ब्लू क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है, यहाँ पे ये ब्लू भी फाउंडेशन है, और यहाँ पे भी फाउंडेशन की तमाम आपको बहुत अच्छी वैरायटी नज़र आ रही होगी। आप देखिए नज़र आ रही है, ये भी फाउंडेशन है हमारे पास, ये भी फाउंडेशन है, ये भी फाउंडेशन है बीबी जो, और ये हमें ये प्राइमर है, ठीक है ना, ये क्रायलोन की हमारे पास 6 मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास, और ये मैंने सेटिंग जो की है ना इस तरह से की है कि हमें मसला ना हो और आप लोगों को भी कोई मसला ना हो, ठीक है, क्रायलोन के स्टिक मौजूद है। इसके बाद ब्लू लव फाउंडेशन, अगर किसी ने ब्लू लव फाउंडेशन यूज़ किया तो उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि ब्लू लव फाउंडेशन कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, और ये मैंने डेमो दिखाया भी था। इसके अलावा सफोरा का हमारे पास फाउंडेशन मौजूद है, सफोरा के पास थोड़ा के पीछे मैंने छुपाया बस हमें आइस, ये मुझे आईसीएफ वालों का हमारे पास ये वाला फाउंडेशन भी मौजूद है, ठीक है। इन सब की प्राइजेस जो थी वो 5 यहाँ से लेके, ये 500 का था, ये 500 का कर दिया था, ये 5 यहाँ लगे 800 के हमने सेल किए थे, ये 500 का, ये 500 का हमारे पास हो गया था, ये 300 का है, ठीक है ना, ये हमारे पास 500 की थी, ये 1000 का है, ये सफोरा का 1000 का है, ये 500 का है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास ये 500 का मौजूद था, और फाउंडेशन भी थे, ठीक है ना, वो प्लॉप वालों का भी फाउंडेशन मौजूद था ये हमारे पास। कौन सा है वजिया? अच्छा, वजिया कह रही है कि आपकी सेटिंग मुझे बहुत पसंद आई, और वो कह रही है कि ग्रीन बॉक्स में क्या है, लास्ट केबल में, लास्ट केबल। अच्छा, सिम वाले में हमने डाला होगा सब। वजिया ये राज है जो ये ग्रीन बॉक्स में बेसिक कुछ नहीं है, ये बॉक्स हमने बॉक्स में डाला हुआ है, अदरवाइज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा अपना ही बॉक्स है, किसका ब्रश का बॉक्स था, असल में हमें इसको कवर करना था ना, हमारे बॉक्सेस नहीं मिल रहे थे,
तो हम ये खोलिएगा, इसके अंदर ये चीज़ें ख़राब ना कर देना। ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, ये हमारे पास है क्या कहते हैं इसको, आईलाइनर एंड मस्कारे। इसको हमने एक बॉक्स में रख दिया था ताकि हमारे आईलाइनर और मस्कारे जो है वो थोड़े से सेव हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे हमारा सामान पड़ा हुआ है ना, ये कौन सा सामान है हमारे नीचे जो सामान है, मैं थोड़ा सा आपको मोबाइल यूँ कैसे अब देखिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे भी हमारे पास आइस की चीज़ें, मतलब आइस जो मेकअप होता है ना आइस के लिए, वो हमारे पास सारा का सारा हमने नीचे सेटिंग किया हुआ है। यहाँ पे लाइनर्स मौजूद हैं हमारे पास, नोट बालों के लाइनर्स मौजूद हैं, और ये हमारे पास हुदा के लाइनर्स मौजूद हैं, मस्कारे मौजूद हैं, किसके लाइनर उसके थे, उसके 100-100 रुपीज़ रेट है, ज़्यादा नहीं है उसके, 100-100 रुपीज़ है, वजह 100-100 रुपीज़ है उसके रेट। ठीक है, इस बहुत अच्छी कलेक्शन है मोहम्मद अंसारी, थैंक यू मोहम्मद अंसारी, आपको कलेक्शन पसंद आई है। इसके बाद हम आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कैप्सूल भी मौजूद हैं, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एलोवेरा जेल भी मौजूद है। ठीक है ना, यहाँ पे कैप्सूल है वाइटनिंग कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, और मैं अक्सर कहती हूँ कि हम इसे फेशियल में डाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास ये भी मौजूद है। इसके बाद हमारे पास ये अर्जेंट फेशियल मौजूद है यहाँ पे, ये हमारे पास मस्कारा मौजूद है, ये तो बहुत मशहूर मस्कारा है सबको पता है। ठीक है ना, ये हमारे पास मस्कारा मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास ये लाइनर मौजूद है। ठीक है, लाइनर के अलावा हमारे पास ये जो मेकअप आईब्रो फिलर थे, आईब्रो फिलर हमारे पास बहुत सारे हैं यहाँ पे, लुक एट दिस, और मैंने इसका वो गिरा दिया है अल्लाह के फजल से, ये देखिए। ठीक है, ये आईब्रो फिलर हमारे पास मौजूद है, मैं इसको ज़रा सेटिंग से रख दूँ ताकि मैं इसका अंदर गड़बड़ नहीं करूँ। आज आपकी ब्यूटी एक्सपर्ट, एक हाथ में लाइट है, हाँ, है और एक हाथ में वो सारा काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा थोड़ी सेटिंग में इशू है, लेकिन ज़ाहिर बात है इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। आप थोड़ा थोड़े दिन किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, और जब कंटिन्यूस वो काम करते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। इसके बाद हुदा वालों का आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास ये वो मौजूद है। इसके बाद नोट की वालों की भी मौजूद है हमारे पास, और ये हमारे पास किसका है, ये लैक्मी वालों का मस्कारा भी नज़र आ रहा है, लैक्मी वालों का मस्कारा भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा आईलाइनर हमारे पास मौजूद हैं, ये कहाँ का था, असल में ये जो हमारे यहाँ पे कस्टमर्स आते हैं ना, थोड़े से हम उसको दिखाने के चक्कर में गड़बड़ करते हैं, मैं ऊपर तो आप भी हेल्प करें तो ब्यूटी एक्सपर्ट की, हाँ वो वजिया वो पढ़ रहे हैं, मुझे कमेंट नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि आज हुआ ये है कि कैमरा जो है ना वो यूँ लगा दिया है, इस तरह लगाने की वजह से क्या हुआ है कि हमें मुझे कमेंट नज़र ही नहीं आ रहे, कमेंट यही पढ़ रहे हैं, तो बस अब ये हेल्प ये हो सकती है। अब ये है कि जब मैं स्टैंड पकड़ रहा हूँ तो फिर वो सेटिंग नहीं आ रही, वैसे मैं जो दिखाने जा रही है, मैं स्टैंड आगे पर ले जा रहा हूँ और वो पीछे ले जा रही है उस चक्कर में, हाँ, और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है ना वो दिख रही हूँ और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ इस चक्कर में, मैं ये इन्होंने पकड़ा था बट मैं सेट नहीं हो पाई, मतलब मैं कम्फर्टेबल जोन में नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने उसको थोड़ा मैंने कहा मेरे हाथ में ही दे दें, चूँकि मैं कम्फर्ट जब तक मैं कम्फर्ट नहीं होगी तो मैं मुझे इशू होगा, मैंने बस इसलिए वापस ले लिया। ठीक है, ये आपका हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास आप ये देखिए हमारे पास ये हुदा वालों के 2-in-1, मतलब एक तो वो थे ना हमारे पास, ये 2-in-1 भी हमारे पास मौजूद है, लाइनर भी मौजूद हैं, और हमारे पास जो है मस्कारा भी मौजूद है, ये भी हुदा वालों का हमारे पास मौजूद है। हम एक एक चीज़ लेके बैठते थे, आपने देखा होगा, बट हमारे पास आप देखें कि बहुत बड़ा स्टॉक मौजूद है। अब हम डेली हम हर चीज़ दिखाएंगे ताकि जिसको जहाँ रुकवाना हो, जो जिसने पूछना हो, बाद में भी आराम से वो पूछ सके, क्योंकि बंदा एक दफ़ा एक जैसा एक लाइव देखता है ना तो उसको एक ही चीज़ नज़र आती है, फिर अगला लाइव देखता है तो उसको अगली चीज़ नज़र आ रही होती है, इसकी वजह से थोड़ा सा उसको क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन ये देखिए कि हमारे पास ये जो चीज़ें मौजूद हैं वो इस तरह से मौजूद हैं। ठीक है,
और इसी के दौरान देखें मैं अगेन सेटिंग पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी सेटिंग लग रही कि इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए हमारे पास इस बॉक्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। ये देखिए इसके अलावा यहाँ पे एक सेट मौजूद है, जिसे हम ये देखिए ये कायली का 4-in-1 सेट मौजूद है। 4-in-1 क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक लाइनर मौजूद है, ठीक है ना, एक शार्पनर मौजूद है। इसके अलावा इसके अंदर एक मैं आपको दिखाती हूँ, बोल रही हूँ दिखा भी दूँ, ये देखिए ये ऊपर आपका ऊपर हो गया था। इस 4-in-1 में एक ये शार्पनर मौजूद है, ठीक है ना, एक इसके अंदर हमारे पास ग्लोज मौजूद है, एक उसी ग्लोज की जिसका ग्लोज है ना उसी ग्लोज का हमारे पास वो मौजूद है, पेंसिल मौजूद है, और ग्लोज निकलने को तैयार नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, ये देखिए ठीक है ना। और ये आम ग्लोज नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, इट्स नॉट, ये लाइक आप समझ लें मेटेलिक कलर होते हैं ना, ये वो वाला कलर का ग्लोज है, आम ग्लोज नहीं है, मैट ग्लोज नहीं है, मेटेलिक ग्लोज जिसे हम कह रहे होते हैं उस टाइप का ये ग्लोज मुझे दे कायली वालों का। बस यही एंगल ठीक है, देखिए इस एंगल में वजी हम सामान उठा के नहीं दिखा सकते, आपको जो नज़र आ रहा है हमें बता दें, ये दिखा दें फिर हम दिखा देंगे, क्योंकि हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट वहाँ जा रही हैं सामान उठा रही हैं, तो कैमरे के सामने ना मैं आना चाहता हूँ ना हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आना चाहती हैं। हाँ इसी वजह से हमें थोड़ा सा इशू, ये एंगल सही है लेकिन इस एंगल में हम सब कुछ नहीं दिखा पाएंगे, और मेरी विश ये थी कि मैं सब कुछ दिखाऊँ, इस वजह से हमने थोड़ा सा अपनी सेटिंग चेंज की है। वजी आपको आराम से सुकून से पता चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद हमारे पास ये आईब्रो उसका ये मौजूद है, आईब्रो जैसे ब्राउन कलर के आईब्रोज के लिए भी एक मस्कारा होता है, ठीक है ना, जैसे मस्कारा लाइनर के लिए होता ना, तो इस तरह से आईब्रो का भी एक मस्कारा होता है जिसे आईब्रो जेल कहते हैं, ठीक है ना, तो इट्स आईब्रो जेल, ये आईब्रो जेल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है इसके अलावा ये हमारे पास ग्लिटर शेड मौजूद हैं, ग्लिटर शेड सारे के सारे हमारे पास मौजूद हैं, आप देख सकती हैं इजीली ये सारे ग्लिटर शेड, और हमने गिरा दिए हैं चीज़ें, हम ऐसे ही चीज़ें गिराते हैं और जब वो टूट जाती हैं तो भी हम उसको अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्लिटर शेड मौजूद हैं, देख लीजिए आप ये सारे ग्लिटर शेड मौजूद हैं। इसके बाद इस ग्लिटर शेड पे एक दो दिन में सेल लगने वाली है, वजह खुश हो जाए अपनी बहन, इस पे सेल आने वाली है। हाँ इसकी सेल आने की वजह भी बाद में बताऊंगी, लेकिन इस पे सेल आने वाली है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे व्यूअर्स में जो सबसे ज्यादा क्रेज होता है ना सेल का, वो वजह हाँ। होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये आ गया, आप ये देखिए ये हमारे पास ये देखें ये सारे कलर हमारे पास मौजूद हैं, और देखिए कितने हसीन कलर हैं, सारे के सारे कलर्स देखिए कितने हसीन कलर्स हैं, ये देखिए ये सारे कलर मौजूद हैं। अभी इस पे सेल नहीं है, एक दो दिन में सेल आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सेल भी बताएंगे और सेल का रीज़न भी बताएंगे, और सेल भी वो है ना हम दो दिन के लिए रखेंगे, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका वजह कोई और है। मोहम्मद अंसारी का है, बहुत अच्छा है, आई एम यूजिंग इट, इट्स लॉन्ग लास्टिंग, हाँ सेल है वजिया, आप इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद हैं, मेकअप वाइप्स मौजूद हैं। अच्छा किसी ने ये देखा कभी यूज़ किया हो तो हमारे पास, ये मैंने आज तक दिखाया नहीं है, क्योंकि ये ना बस ये आते हैं और ये चले आते हैं, वो बच्चियाँ होती ना उनको बहुत शौक होता है इसका। इसमें ये क्या करते हैं, ये हेयर बैंड आपको नज़र आ रहा है, इस हेयर बैंड को बस हमने लगाना होता है, और इसकी जो छोटी छोटी क्लिप नज़र आ रही है आपको, इसमें अपने बालों को ट्विस्ट करके डालना होता है, ये देखिए एक दो निकाल लो, मैं बैठे बैठे भाई ये हेल्प कर सकता हूँ, हाँ ये कर सकते हैं, ये देखिए ये इनको ये निकालना होता है, इनमें बालों को ट्विस्ट करके बस आपको डालना होता है, अगर कोई ये इस ये देखिए ठीक है, ये ट्विस्ट करना होता है और ट्विस्ट करके आपको बालों को डालना होता है जस्ट, ठीक है। ये एक ये है हमारे पास, ये ठीक है,
अगर कोई ये लेना चाहे ये लेना चाहे। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी थी बहुत अच्छी सी, वो कहाँ चली गई? मुझे कह रही है ये पिंक ब्रश फाउंडेशन लगाने के लिए है। हाँ ये ब्रश नहीं है वजी, हाँ ये आप वो है, है फिर मैं इसका नाम भूल गई हूँ, पता नहीं मैं इसका नाम क्यों भूल जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, हालांकि ये मैं इतना यूज़ करती हूँ, मैं पता नहीं इसका नाम क्यों भूल जाती हूँ। ये क्या था फिर? मोहम्मद अमन साई ने उस दिन हमारी हेल्प की थी और बताया था ये, अरे इसका नाम फिर भूल गई अभी। मोहम्मद एयरबैंड कितने का है? ये दोनों का सेट जो है आपको ये और ये आपको, अब तो ये भी दोनों मिलेगा 250 का, ठीक है, और ये दोनों साथ ही मिलेंगे आपको। ये देखिए ये कितना लगेगा, ये पूरा आपका पर्स के साथ है, ये यहाँ करके टर्न करके आपके आपको नजर आने इसका एक ब्लेंडर है। हाँ ब्यूटी ब्लेंडर, सॉरी मैं हमेशा भूल जाती हूँ। थैंक यू सो मच मोहम्मद अंसारी, उस दिन भी मोहम्मद अमन साई ने बताया था, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं मैं इसका नाम भूल जाती हूँ। ये देखें, हाँ मैं इसमें नहीं हील होती है, ठीक है। ये देखें इस तरह से स्टाइल बनेगा, आपको नजर आ रहा है ये इस तरह से स्टाइल बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये एक हेयरबैंड लगा लिया और बालों को ट्विस्ट करके इसमें डाल लें सबके अंदर, 1 2 3 4 इस तरह से, कितने 3 कैचर इसी में लगे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 हैं टोटल हमारे पास, है ना। आप ये देखिए ये हमारे पास 8 हैं और 8 की 8 आपकी बनेगी, ऊपर से आप इस पर कोई भी क्या कहते हैं चीज़ लगा दीजिएगा, वो बहुत हसीन लगेगा, ठीक है। ये हैं हमारे पास ब्यूटी ब्लेंडर, वजह ये ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, ठीक है। और ये आप पानी में डिप कर देंगे, पानी में डिप करने के बाद ये वैसे भी आपको मैं आपको बताऊँ ये क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा फ्लफी हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए दिख रहे हैं, ये देखिए ये बहुत फ्लफी सी चीज़ है, लेकिन क्या, और अगर आप इसको कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको खींच के निकाल भी सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन जो इसकी टिप है ना, ये जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसकी जो टिप है, ये आपको बहुत अच्छे से आईज के नीचे और एजिस के ऊपर बनाने में बहुत हेल्प आउट होगी। और जब हम एयर से लेके लिप्स की तक हम अपना जो बनाते हैं ना बिल्कुल क्रीज बना रहे होते हैं, उस वक्त मेकअप के अंदर ये बहुत हेल्प आउट करता है ये ब्यूटी ब्लेंडर। और अगर इसको आप निकाल भी सकते हैं, इसको ये है इसका, लेकिन आप इसको खींच के आराम से निकाल सकते हैं, कोई इतना कोई मतलब कि अब ज़ाहिर बात है जो मेकअप करता है उसको अच्छी तरीके से पता है कि उसने किस तरीके से मेकअप की चीज़ों को यूज़ करना होता है। बाज़ों का हम टूथपिक से भी नहीं होता ना, टूथपिक्स भी यूज़ कर रहे होते हैं, आपने मेकअप हैक में देखा होगा। बाज़ों का क्या होता है कि जो हमारा एयरबड होता है, एयरबड को भी हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ मेकअप, समझ ले कि अप्लाई करने के लिए, तो हम जिस तरह से भी अप्लाई करते हैं। तो इसका जो बेसिक रीज़न है मैं आपको बता दूं। इसके बाद इसको आपने डिप करना होता है वाटर के अंदर, 1 आवर पहले कर ले तो अच्छा है, मैं तो 1 आवर पहले ही कर लेती हूँ, ठीक है ना, अगर मुझे कोई हैवी मेकअप अप्लाई करना होता है, मतलब शादी वगैरह के लिए, अदरवाइज़ मेरे पास हर चीज़ का एक मतलब मौजूद है। मैं ज़रूरी नहीं कि शादी के लिए, मेरे अलग अलग वो बने हुए हैं, शादी में जाती हूँ तो मेरे पास अलग वो होता है पाउच, और अगर मैं आम तौर पे जब जॉब पे जा रही होती तो मेरा उसका पाउच ही अलग है। बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू भजिया, हम भी यही चाहते थे कि हम रोज़ हर रोज़ अच्छी चीज़ दिखाएं, मतलब ज़्यादा चीज़ दिखाएं, बट हम दिखा ही नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा सेटअप। इसके बाद हमारे पास यहीं पे आप देखें ब्रशेस के सेट मौजूद हैं, ये ब्रशेस का प्रोफेशनल सेट मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास ये ब्रशेस के सेट मौजूद हैं, हमारे पास ये वाले ब्रशेस मौजूद हैं, ये वाले ब्रशेस भी मौजूद हैं, इसकी देखिए क्वालिटी देखिए इसकी, ये हमारे पास ये ब्रशेस बहुत अच्छे होते हैं, देखिए ये ब्रशेस व्यू बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई मास्क लगाते हैं या आप मिनरल फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो ये मिनरल फाउंडेशन में बहुत हेल्प आउट होता है, क्योंकि जब तक मिनरल फाउंडेशन आपकी सही तरीके से अप्लाई नहीं होगी ना आपके, मतलब विदाउट ब्रश अगर आप हाथ से मिनरल फाउंडेशन अप्लाई करना चाहेंगे वो मज़ा देगा ही नहीं कभी भी। तो मिनरल फाउंडेशन के लिए आपका ये ब्रश बहुत अच्छा है, ये 250 का हमारे पास ब्रश मौजूद है, ठीक है ना। ये हमारे पास 600 के ब्रशेज मौजूद हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 ब्रशेज मौजूद हैं। अच्छा आप, मैं आपको इसको एक मिनट दिखाती हूँ कि ये ब्रश मैं आपको जस्ट कितनी तारीफ़ करती हूँ इसकी वजह क्या, एक मिनट पकड़े मैं आपको दिखाती हूँ,
मोहम्मद अंसारी कह रही हैं कि आज का व्यू मेरा फेवरेट व्यू है लाइफ का। थैंक यू सो मच। देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा करते जाएं और किस हद तक कामयाब हुए हैं वो तो आप लोग ही बताएंगे। सारी बात आप लोग कमेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमें बताएंगे कि हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। प्लीज़ कमेंट्स करते रहा कीजिए और जो हमारे नए बहने भाई मौजूद हैं प्लीज़ शेयरिंग करते जाएं ताकि और लोग भी आए और लोग भी इस हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट के मशवरों से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये देखिए मैं आपको जो ब्रश की तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए ब्रश की तारीफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये मैं यू ये मेरा पर्सनल है, ठीक है ना। ये जो आपको गंदा मेला नजर आ रहा ना, ये फाउंडेशन लगने की वजह से है। अब मैं इसकी तारीफ इसलिए कर रही हूँ कि जब इससे मैं ब्लेंडिंग वो कहाँ ब्रश सेट कहाँ गया मेहमान ने आपके हाथ में दे दिया और आपके आगे वो पड़ा पीछे। ये देखिए ये जो ब्रश सेट है ना, ये जो मैं इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ, ये ब्रश सेट यही ब्रश सेट है, ठीक है ना। लेकिन ये हर चीज़ के लिए यहाँ पे ये सब प्रोफेशनल ब्रश सेट, ठीक है। और मेरे पास ये मैं अप्लाई करती हूँ इससे फाउंडेशन, ठीक है। तो जो फाउंडेशन जब अप्लाई कर रहे होते हैं इसे, ये देखिए इससे इतना ज़बरदस्त मज़े का कोई फाउंडेशन अप्लाई किया जाता है। ये देखिए इसके तो नज़र आ रहे हैं, इसके तो इससे भी ज़्यादा बहुत अच्छे, मतलब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर और इसके अंदर, ये देखिए कितने ज़बरदस्त, ठीक है। ये एंड ये, इन दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको इजीली, ठीक है। ये दोनों नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखिए ये कितना इसका जो एरिया है कितना, मेरे ख्याल से 1 इंच का है ये, वन ये और ज़्यादा है। और ये जो है वो तकरीबन आपके पास 2 का मौजूद है। और ये इतना अच्छा, जितना ये ज़ाहिबात है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही अच्छी तरीके से ये मूव होगा और उतने ही अच्छी तरीके से लगेगा। ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल यूज़ का यूँ दिखा रही हूँ क्योंकि आपको बता सकूँ, सबूत दे सकूँ कि भाई ये बहुत अच्छा है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं मेकअप को। इस मिनरल फाउंडेशन इससे बहुत, इससे भी मिनरल फाउंडेशन अप्लाई होगा, लेकिन इससे जो है आपका जो आपकी स्टिक हो गई, ठीक है ना, वो फाउंडेशन जो आपकी स्टिक हो गई, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से इससे अप्लाई हो सकती हैं। ब्रशेस के अंदर अगर कोई और कुछ देखना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा, ब्रशेस बहुत तरह के हैं। इसके बाद आप आ जाए, ब्रशेस का बॉक्स हमने कर दिया बंद, अब आप आ जाइए यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास जो हम कह रहे होते हैं ना कि हमारे पास बहुत स्टॉक है, आप 6 ले लें 12 ले लें, ठीक है ना, इसलिए कह रहे होते हैं। अच्छा एक मिनट, वजिया कह रही हैं इस ब्रश से हाथ पर फाउंडेशन लगा कर दिखाएं। इस ब्रश से हाथ पर फाउंडेशन लगा के दिखाएं, वाह वाह क्या वजिया ने फरमाइश कर डाली। मोहम्मद अंसारी कह रही हैं ये मैंने आपसे लिया था, मैं अभी तक यूज़ कर रही हूँ, जब भी वॉश करती हूँ न्यू हो जाता है। हाँ इसको वॉश कर लें, वाकई आप इसको वॉश कर लीजिए, ये न्यू हो जाता है। वजह मैं आपको इससे फाउंडेशन पक्का वादा कल करके दिखाऊंगी, क्यों कल करने का बाद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन मेरा नहीं निकला हुआ यहाँ पे, फाउंडेशन बेशक पड़े हैं बहुत सारे लेकिन मैं अपना पर्सनल ही यूज़ करती हूँ। आपको बताया, मैंने आपको बताया होता यही है, मतलब पर्सनली मतलब कि यहाँ से उठा के यूज़ नहीं करूँगी मैं, अपना जो मैंने जो चीज़ यूज़ करती हूँ उसे मैं अपना ले जाती हूँ वहाँ पर, फिर वहाँ से यूज़ करती हूँ, ठीक है। मतलब इस एरिया से उसको हटा देती हूँ। ये हमारा हो गया और ये देखिए यहाँ पे हम इंशाल्लाह आपको फाउंडेशन, बल्कि आप कहेंगी तो हम आपको एक जो है वजिया फाउंडेशन सेट करने की तरकीब भी बता देंगे, ठीक है ना। मोहम्मद अंसारी आई एम वेटिंग फॉर ब्रशेस सेल। मोहम्मद अंसारी हाँ, हम ब्रशेस के पर सेल इंशाल्लाह लगाएंगे, थोड़ी सेटिंग होती जाए हम इंशाल्लाह लगाएंगे अभी। जी वजिया इंशाल्लाह कल हम सेटिंग करेंगे वहीं अपनी टेबल के ऊपर, तो आपको जितने भी आपके एक्सपीरियंस वो आप जो बताना चाह रही हैं देखना चाह रही हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। हाँ मैं आपको पूरा फाउंडेशन सेट करना बताऊंगी कि फाउंडेशन किस तरह सेट करते हैं, मैं आपको पूरा कल इंशाल्लाह फाउंडेशन अपने इसी ब्रश से मैं आपको फाउंडेशन सेट करना बताऊंगी कल, फिर मैं आपको फिक्सिंग का और प्राइमर का सबका यूज़ भी बता दूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया भी हो जाए
और आपको मतलब क्योंकि एक फाउंडेशन को सेट करना बहुत ज़्यादा एक आर्ट होता है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये फाउंडेशन सेट करना एक आर्ट होता है, उसको अगर आपने अच्छे से सेट कर लिया तो मतलब कि आपने अच्छे से फिर बाकी आइस का मेकअप भी भरा ले, एक आर्ट है। हमारी एक और टॉप फैन आ गई हैं शुमाइला फहद, और माशाल्लाह शेयरिंग करती भी आई हैं, इनकी नोटिफिकेशन हमारे पास आ गई शेयरिंग की, और वो पूछ रही हैं ब्रश सिंगल में मिल जाएगा, ये वाला ब्रश के लिए सिंगल में, ये वाला ब्रश सिंगल में नहीं मिलेगा शुमाइला फहद, ये ब्रश का सेट ही मौजूद है, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर ये पूरा ये देखिए जिस तरह से ये फाउंडेशन लगाने का ब्रश है ना, इसमें सिर्फ फाउंडेशन लगाने का ब्रश नहीं, आप देखिए ये ब्रश जो है मेरे पास ये वाला, इसका ब्रश नंबर थ्री, ये जो थ्री है ना वो इसका है, बाकी देखिए सारे ब्रशेज जो हैं वो पूरे के पूरे आगे से चेंज हैं, ये आपको नज़र आ रहा है इसकी टिप मौजूद है, ये आपको कट में मौजूद है, ये बिल्कुल स्ट्रेट मौजूद है, और ये ऊपर से राउंड मौजूद है, तो ये पूरा एक सेट है, ये सेट ही आपको मिलेगा 600 का, अकेला ब्रश नहीं मिलेगा। आप बिलीव करें कि ये ब्रश जो है वो मैंने लिया है 250 का, ये मेरा ब्रश जो मैंने बाज़ार से लिया था जब, तो 250 का लिया है ये ब्रशेस, तो मुझे अब अंदाज़ा हुआ है कि मैंने बहुत सी चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव ली हुई हैं, क्योंकि ना पता नहीं क्यों शायद हम एक्सपेंसिव ले लेते हैं या हमें एक्सपेंसिव मिल जाती है, बट ये मैंने 250 का ब्रश लिया हुआ है। वजह के नहीं है, कल तो मैं ज़रूर आऊँगी, कहीं से भी भाग कर आ जाऊँगी, क्योंकि मुझे फाउंडेशन सेट करना नहीं आता। भैया मैं आपको फाउंडेशन सेट करना सिखा दूँ कल, इंशाल्लाह कल फाउंडेशन सेट करना सिखाऊंगी, अपने हाथ पे सिखाऊंगी और अपने ही बेस से सिखाऊंगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो पर्सनल बेस लगाने का तरीका होता ना आपका, वो आपको आपकी बेस मतलब आपके फाउंडेशन के कलर्स की वजह से कितना इफ़ेक्ट कर रहा होता, साइड साथ में ना आपको मैं मतलब के साइड में वो भी दिखा दूँगी कि अगर आपका कलर आपके फाउंडेशन आपके उससे नहीं होगा तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, क्योंकि अक्सर जब मैंने ये आपको याद होगा जब मैंने ये चीज़ें अप्लाई की थी सारी की सारी याद, ठीक है ना, तो आपको देखा होगा कि मैंने ये तमाम चीज़ अप्लाई करते हुए जब इनके कलर्स चेंज थे, तो मैं आपको बता रही थी कि कलर चेंज होने की बेसिस के ऊपर फाउंडेशन जो है वो ग्रे पड़ जाता है या इतना मज़े का नहीं दिखता जितना मज़े का उसको दिखना चाहिए। सेकंड बात, फाउंडेशन सस्ता भी अच्छा यूज़ कर सकती हैं और महंगा भी आपके लिए बिगाड़ पैदा कर सकता है कि अगर आपको सही तरीके से लगाना नहीं आता हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप लिपस्टिक के अंदर, मैं आपको जो लिपस्टिक दिखा रही थी वो थी ये 2-in-1 लिपस्टिक, 2-in-1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस लिपस्टिक के अंदर जो है वो एक साइड पर हमारे पास लाइनर मौजूद है, एक मैं खोल लूँ, ये देखिए नज़र आ रहा है, इट्स लाइनर, ये लाइनर मौजूद है, और ये लाइनर के साथ इसको बंद कर दूँ वरना इसके लाइनर ख़राब कर दूँगी, इस लाइनर के साथ दूसरी साइड पे आपको उसी कलर में आपको लिपस्टिक भी नज़र आ रही होगी, दिख रही है आपको लिपस्टिक, नज़र नहीं आ रही, ये आपको लिपस्टिक भी नज़र आ रही होगी सेम कलर में, जब मैं उसको खोल के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है अगर किसी ने यूज़ की हो तो, लाइनर और लिप लाइनर एंड लिपस्टिक सेम कलर में अगर कोई यूज़ करता है तो उसे पता होगा अच्छी तरीके से कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सेटिंग होती है डबल लिपस्टिक की, ठीक है ना, ये 250 की है, किसी ने लेनी हो तो 250 की वो ले सकता है। इसके बाद हमारे पास ये लिपस्टिक्स मौजूद हैं, सॉरी ग्लोजेस, इस बेबी ग्लोज या स्मॉल हमने थोड़ी सी लाइट बंद की थी, थोड़ी वजह थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मिनी ग्लोजेस मौजूद हैं, ठीक है, दो कलर्स के अंदर मौजूद हैं, एलोवेरा जेल की लिपस्टिक्स मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे पास ये वाली लिपस्टिक मौजूद हैं जो कि 3-in-1 थी, 3-in-1 क्यों कहते हैं क्योंकि नीचे इसके पूरा का पूरा लिपस्टिक मौजूद है, अंदर से लिपस्टिक दूसरी तरह की मौजूद है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट जाइए। विजया कह रही हैं आपकी प्रोडक्ट्स इतनी सस्ती, आप प्रोडक्ट इतनी सस्ती देती हैं, मैं बाज़ार जाती हूँ सेम चीज़ें डबल प्राइस में मिल रही होती हैं। हाँ वजिया, हमने भी ऐसी ही ली हैं ज़ाती तौर पे भी हमने ऐसी ही ली हैं,
लेकिन वाकई ही आप लिपस्टिक ले भी लेने जाएंगे ना, कई आम लिपस्टिक मैं आपको बताऊँ, ये लिपस्टिक भी आप लेने जाएंगी कहीं पे, तो जो मैंने लिपस्टिक्स आपको याद होगा 50 की सेल में लगाई हुई थी, याद है वो लिपस्टिक्स, वो 50 की सेल वाली लिपस्टिक भी बहुत ज़्यादा मैं मुझे नज़र आई है, वो 150 में या इसमें भी नज़र आई है। अब मैंने उसका ना कैप उतार दिया, अल्लाह ओहो एक मिल गई है, याद है आपको मैंने ये लिपस्टिक जो थी वो लगाई थी किसके अंदर, 50 की सेल में। अब आप इस लिपस्टिक की क्वालिटी देखिए, सब छोड़ें आप इसकी लिपस्टिक की क्वालिटी देखें कि कितनी अच्छी लिपस्टिक है, ये देखिए, और इसका वो सब ये देखें कितनी ज़्यादा मैट है, ये ऐसा नहीं कहीं से भी वो नहीं है, ये इतनी अच्छी लिपस्टिक है और बिल्कुल मैट में लिपस्टिक, ये देखिए। और आप इसका कलर चेक कीजिए, ठीक है, ये लिपस्टिक जो मैंने 50 के अंदर लगाई थी ये भी बहुत अच्छी लिपस्टिक थी, और आप बाहर लेने जाते हैं तो कम से कम भी आपको 150 की या 200 की मिल रही होती हैं, ठीक है। ये कह रही हैं जी येलो वाला लिपस्टिक 150 की एक थी बाज़ार में और आप 150 की दो दे रही हैं, तो वो जी आप हमसे 150 की एक ले लें, मसला नहीं है। हाँ वो एक दफ़ा एक मैंने एक खातून को क्या ये एक येलो वाला लिपस्टिक दी दो और एक क्या दिया था पता नहीं, एक और चीज़ दी, तो उसने कहा कितने पैसे हुए, तो मैंने कहा 250, तो कह रही सिर्फ 250, मैंने कहा नहीं टेंशन नहीं आप मुझे 350 450 550 कितने भी दे सकते हैं, मैं मैं खुशी खुशी कबूल कर लूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सारी लिपस्टिक्स, ये जो लिपस्टिक है ये 3-in-1 जो है, 3-in-1 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डबल लिपस्टिक्स है वैसे, और इसके नीचे अलग लिपस्टिक्स है, इसका ऊपर पूरा मिरर है, ये मैं इसको ना इसलिए हिला हिला के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इस मिरर के अंदर नज़र आ जाऊँगी, और कोई वजह नहीं है इसको, मतलब सगुन से यूँ नहीं दिखा रही क्योंकि जैसे ही दिखाऊंगी मैं इस मिरर के अंदर नज़र आ जाऊँगी, मैं इसलिए नहीं दिखा रही आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास 100-100 वाली 50-50 वाली लिपस्टिक्स बहुत ही सारी हैं, और एक ये हमारे पास अकलौती बड़ी हुई है, कोई लेना चाहे तो उसको ले सकता है, ये आइसक्रीम, ये बच्चों असल में बच्चों की होती है, ये क्या कहलाता है पता नहीं, क्या टिंट टाइप होती है, लेकिन ये हमारे पास एक पड़ी हुई है, कोई लेना चाहे तो वो बेशक ले सकता है, अपने प्राइस बता के ले सकता है, मतलब ज़रूरी है मेरे प्राइस नहीं हो, अपने प्राइस बताते हैं कि मुझे इतने में चाहिए तो वो ले सकता है। मैं आपको बता ना रोज़ाना एक ना एक चीज़ ऐसा करती हूँ कि अपने प्राइस बताइए फिर ले लीजिए। सीमा बिलाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे हमारे पास सिटी कलर वालों की लिपस्टिक मौजूद है, ये भी 3-in-1 है। सीमा बिलाल आप ऐसा कीजिए, आप लिपस्टिक देखना चाह रही हैं आप लिपस्टिक देख लीजिए, अगर आपको कोई शेड पसंद आए, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना जो आप कह रही हैं लिपस्टिक का वो मैं नहीं ला सकी, मतलब वो हर कोई ये कह रहा है कि वो नहीं होती अब, तो इसलिए आप देख लीजिए ये आपको कोई शेड पसंद आए तो। लिपस्टिक की देखिए बहुत वैरायटी मौजूद है, ये देखिए पूरा बॉक्स लिपस्टिक का है, ये पूरा बॉक्स लिपस्टिक का है, ये पूरा बॉक्स लिपस्टिक का है, ये पूरा बॉक्स लिपस्टिक का है, वो पूरा बॉक्स लिपस्टिक का है, यहाँ पे अलग से लिपस्टिक मौजूद हैं, मतलब लिपस्टिक के इतने बॉक्सेस मौजूद हैं कि आप देख देख के मेरे ख्याल से थक जाएंगी, लेकिन लिपस्टिक से बॉक्स ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा वजीया पूछ रही हैं कि पीच कलर में क्या है, और सीमा बिलाल थैंक्स अ लॉट आप शेयरिंग करती भी आई हैं माशाल्लाह। आज हमारे पास जो शेयरर हैं वो पाँच हो गए ना जी। सीमा बिलाल आप शेयरर हैं, आपका नाम इंक्लूड हो गया है, मोहम्मद अंसारी का, वजीहा का, शुमाइला फहद का, आप सबके नाम शेयरर के अंदर आ गए हैं, ठीक है। कल इसके अलावा भी अगर कोई हमारी बहन शेयरिंग की है जिसने जो कमेंट नहीं कर रही वो प्लीज़ एक कमेंट कर दें हमें कि शेयरिंग डन, तो अगर उनके नाम के आगे शेयर लिखा हुआ आएगा तो उनका नाम भी शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि शेयरर्स के लिए हमारे पास ये है बहुत ही ज़बरदस्त गिफ्ट। इसलिए ये क्या पिंक कलर के अंदर जो वजिया पीच कलर में यही पूछ रही आई थी, पीच में यही इसके अंदर अगर बॉक्स वजिया इस बॉक्स की बात करें तो पीच में यही मौजूद है हमारे पास, बाकी आप देखिए कौन सी बात मैं इस वक्त आई थिंक यही दिखा रही थी, ये तो पेंसिल शेप में क्या है दिखा। अच्छा पेंसिल शेप में क्या है, पेंसिल शेप में इट्स अ लिप बाम, ठीक है ना, ये बच्चों के नहीं है लिप बाम है, आप एक मिनट मैं दिखाऊँ, ये देखिए। अच्छा इसका कोई कलर नहीं है, अगेन आप बता दूँगी इसका कोई कलर नहीं है, लगने के बाद इट्स अ मतलब बेबी समझ लें ये, इसकी कलर भी आपको इसकी आपकी शेप देखिए कि ये बेबीज़ के लिए लिप बाम है, और ये बचे ही नहीं है अब मेरे ख्याल से 4-5 बच्चे में, ये बहुत सारे थे हमारे पास,
ये अब देखिए 5 बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को इतने अट्रैक्ट करते हैं, बच्चे इसको खेलने के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बताए 50 की जब वो लेस ले सकते हैं तो 50 के लिए खेलने के भी नहीं ले सकते, पेरेंट्स ने वैसे भी ले आते हैं। तो ये एक आपका है, ये 50 का है, ठीक है ना। और इसके अलावा ये 50 का मैंने मतलब अब समझ कि सेल में ही लगा दिया, मना इसको जो मैंने लास्ट भी आई थिंक उसको 80 बताया था, 80 बताया था। अच्छा, मैंने इससे पहले पीच कलर में उठाया था ना, वो वजह के लिए वो खोल के दिखा दिया। भजिया ये है ना बेबी ग्लोज है, मैं आपको बता दूँ ये बेबी ग्लोज है, इसका कलर देखिए नज़र आ रहा है। 3-4 मैसेज मैं आपको दिखा बताता हूँ, आप ये देखिए, ये आपको सही आप सभी सही कैप्चर कर रहे हो, ये बेबी ग्लोज है, इसका बहुत ज़्यादा कलर नहीं है। मैं आपको अगेन बता दूँ, इस बेबी ग्लोज अगर कोई बोले, मैं बेबी ग्लोज इसलिए बोल रही हूँ कि कोई अगर बोले कि भाई इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ इसका कलर बहुत ज़्यादा नहीं है। और चूँकि ये बेबी ग्लोज है, अगर बहुत ज़्यादा कलर परमानेंट कलर और स्ट्रॉन्ग कलर लेना है ना, तो आप ये वाला कलर भी ले सकती हैं। भैया डन क्या करना है, वो पेंसिल वाला या फिर ये जो पीच वाला आपको दिखाया है जो बेबी ग्लोज? हाँ बता दीजिएगा भाजी आप। अच्छा दूसरा सीमा बिलाल कह रही है हाय इतनी सारी, मरियम जमाल हमारे साथ हमारी बहन मौजूद हैं, वो कह रही हैं शो एमिली। एमिली ये रहे एमिली की, ये रहे मरियम जमाल, मरियम जमाल ये लिए एमिली की, ये रहे आपके पास ये सारी, ये 1 लेंगी तो आपको 200 का मिलेगा और पूरा बॉक्स लेंगी तो आपको 2000 का मिलेगा, 400 की आपको बचत हो जाएगी, ठीक है ना। वजह वो पीस वाला दिखा दें ताकि वो स्क्रीनशॉट ले लें। वजह आप ये देख लीजिए, वजह आप स्क्रीनशॉट ले लें मेरी बहन, ताकि आपको आसानी हो जाए। ये वजह 100 रुपीज का ही है सिर्फ, नहीं ये तो आखिरी बचा है, नहीं थे शायद, अगर वजह ये आखिरी हुआ ना तो मैं आपको 80 का दे दूंगा, दे दूंगी, लेकिन जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ये आखिरी है, आखिरी होंगे तो फिर मैं नहीं दूंगी, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आखिरी शायद ये आखिरी है। मरियम जमाल मेरी बहन आप मौजूद हैं हमारे साथ, मरियम जमाल को एसएस डन, ठीक है। मरियम जमाल आप देख लीजिए एमिली की, इट्स अ पिंक शेड सेटिंग, ठीक है, इसमें पिंक शेड के सारे शेड्स मौजूद हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसकी क्वालिटी आपको नज़र आ रही होगी, बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं दोबारा आहिस्ता आहिस्ता दिखा रही हूँ, ये देखिए ये देखिए आप ये देखिए, लिटिल बिट डार्कर देन लाइट, सब ब्राउनिश शेड आल्सो डार्क शेड, ये हम समझ लें आप कैमिल टाइप शेड समझ लें आप, स्पिंकी और पीची टोन, इट्स आई थिंक के ब्राउनिश सा है, अगेन इस टाइप के ही कलर हैं, मतलब सारे ये पिंक शेड, ये असल इसका नाम ही ये है, और ये सारे के सारे जो हैं वो वाटर प्रूफ हैं, 12 आवर लिप ग्लोज हैं, और ये लिक्विड मैट है, ये सारे हमारे पास मैट लिपस्टिक्स हैं, ठीक है, ये आप पकड़ें, ये देखिए आप यहाँ भी रखिएगा, आ जाएँ जल्दी जल्दी आ जाएँ, क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, सही नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं 50-50 वाली सारी लिपस्टिक आपको दिखा दी, हमारी जो है हमारी बहनें जो है मोहम्मद अहमद सारी कह रही की जो हमारी बहन है वो और भजिया ये आपको बहुत अच्छी गवाही दे सकती हैं कि इससे सस्ता वाकई कहीं नहीं। ये लाल कलर वालों के लिपस्टिक्स आप देख लीजिए, ओ सॉरी ग्लोजेस, ये लाल कलर वालों के थोड़े से ग्लोजेस बचे हैं, बाकी तो ग्लोजेस बचे नहीं हैं, लाल कलर वालों के बचे हैं मेरे ख्याल से, बचे तो हैं, हाँ लाल कलर वालों के बचे हैं, देखिए मैंने सेटिंग करी और मैं ही भूल गई हूँ, ये देखें लाल कलर वालों के ग्लोजेस बचे हुए हैं, ठीक है ना, तो लाल कलर वालों के ग्लोजेस आप देख सकते हैं, ये कलर मौजूद है लाल कलर वालों में, ये कलर मौजूद है लाल कलर वालों में, लाल कलर की क्यों यूँ दिखा रही हूँ क्योंकि लाल कलर एक बहुत अच्छा नाम है, ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग इनके ग्लोजेस होते हैं, और इस ये ग्लोज जो मैंने आपको दिखाया था ये भी लॉन्ग लास्टिंग होता है, 200 का मैंने सेल किया था, अब 150 का मैं दे दूंगी, देखिए 200 का सेल किया था लिखा हुआ भी है, ये गवाही है मेरी लेकिन अब 150 का है, ठीक है आप ले सकते हैं, ये ख़त्म हो गया सर में, ये बॉक्सेस बॉक्सेस आते हैं ना तो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये ख़त्म हो गए, और ये लिप्स के ग्लोज जो है ना ये वाला ये बहुत लंबे अरसे चल सकता है, इसलिए आप दे सकती हैं। अच्छा सीमा बिलाल आप ये लिपस्टिक देख लीजिए, आपको कोई भी लिपस्टिक पसंद आए मुझे बता दीजिएगा,
कलर पसंद आए तो मुझे बता दीजिएगा। चैनल वालों की लिपस्टिक भी सीमा बिलाल मेरे पास मौजूद है। चैनल वालों की लिपस्टिक के अंदर एक मेरे पास बॉक्सेस वाले भी मौजूद हैं और ये एक विदाउट बॉक्सेस भी दो लिपस्टिक एक मौजूद है। अल्लाह जाने इसका बॉक्स कहाँ गया, ये विदाउट बॉक्स थी भी नहीं, पता नहीं मैंने इसका बॉक्स कहाँ किया है, मुझे खुद भी नहीं पता। ऑसम सेट मोहम्मद अंसारी से बजिया कह रही है, अगर किसी को अगर किसी को प्राइस पर शक है तो वो एक दफ़ा बाजार से पता कर लें, आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि जो प्राइस हादिस बुटीक एंड बाय सेंटर के पास है वो कहीं नहीं। थैंक यू सो मच भजिया। थैंक यू सो मच भजिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो एतमाद है जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का हम पे है, क्योंकि हम सिर्फ रेट प्रोवाइड नहीं कर रहे आपको सस्ते, हम आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए अब देखिए जब लिपस्टिक आपको याद होगा मैंने कहा ये 50-50 की लिपस्टिक्स हैं, और मैंने साथ साथ ये नहीं बताया, ये भी बताया कि देखिए 50 की क्यों है, क्योंकि इसकी जो जब इसको बंद किया गया है ना, मतलब जब इसको बंद किया है तो इसके कैप के ऊपर ये लिपस्टिक हल्की सी लग गई है। अब इसकी हल्की सी लिपस्टिक लगने से आपकी इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, लेकिन क्या मेरे पास चूँकि ये लग गई है तो बस मुझे ये जो है वो आपको इतने ही सेल करनी है, मतलब कि वो आपको मैं इतनी ही कर सकती हूँ कि किसी ने बंद करने के दौरान क्या किया इसकी बस कैप ख़राब हो गया, अब क्या करें। ये बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है सामान आ रहा होता है दूसरे के ऊपर, सारी बात लोड होता है तो उसमें भी ये हिलने जुलने में भी ये मसला हो जाता है। अच्छा इसके बाद हमारे पास ये कलर्स मौजूद हैं ये ग्लोजेस के अंदर, अब इसका कलर देखिए कितने हसीन कलर हैं, अगर कोई शादी में लगाएगा तो कितना हसीन, ये देखें कितने हसीन कलर हैं सारे के सारे, इसके भी बहुत प्यारे प्यारे कलर हैं सारे, इसका एक ऑरेंज कलर भी बहुत प्यारा है, ये रहा इसका एक ऑरेंज कलर भी मेरे पास बहुत प्यारा था, ये निकलने को तैयार नहीं हो रहा क्योंकि ये बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। ये देखिए इट्स ऑरेंज, ठीक है ये आपको नज़र आ रहा होगा ये ऑरेंज कलर है। इसके बाद हमारे पास ये मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास ये एक ही मौजूद है, ठीक है ये 150 का है, ये एक है इसका कलर बहुत प्यारा है नो डाउट, इसका ये लॉयल वालों का है, ठीक है ना, इसका कलर बहुत प्यारा है, ये कलर हम बहुत ज़्यादा लगाते हैं, प्यारा इसलिए कह रही हूँ कि वजह नहीं है क्योंकि मुझे प्यारा लग रहा, हो सकता है किसी और को कोई और प्यारा लग रहा हो, कोई मसला नहीं है, किसी को कुछ भी प्यारा लग सकता है। ये कह रही है इसको लगा कर दिखाएं, और किसको ये जो आपने निकाला था ना रेड और ग्लो, हाँ वजह ये रेड ऑरेंज ग्लोस, हाँ वजह ये मेरे पास पड़ा हुआ है मेरी ड्रेसिंग पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाती, अच्छा चलो मैं आपको इसको दिखा के दिखाती हूँ। मुझे ये तब तक आप लोग शेयरिंग करते जाएं, और साथ मैंने हमारे पास मौजूद है, आपको मैं दावा बताऊँ हमें एक घंटा हो गया, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ इस चीज़ का, क्योंकि आज हमारा उसके स्क्रीन से जंग करते हुए हमने कहाँ गया मेरा हाथ, ये कैमरा कहाँ है इसका असल में पता ही क्या कि इसका जो कैमरा है ना वो मेरे आज इख्तियार से बाहर हो गया है, अब मुझे 2-4 दिन लगेंगे इसको सेटिंग करने में, मैं इस कैमरों से और इनसे थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा दूर ही होती हूँ, अपने मोबाइल से ही मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलती है। देखिए वजह ये देखिए कलर देखिए आप, ये मैंने इसको आपको ला के दिखाया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कलर है, ये इसलिए स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास मौजूद है, और जिस दिन भी मैं ये लगाती हूँ ना बस ये बस समझने की ये हटता नहीं है। इसके बाद आप ये देख सकती हैं कितने सारे लिपस्टिक के ये भी मौजूद हैं, जो इसमें हुदा भी मौजूद है, सही है इसमें उशाज भी मौजूद है, हुदा भी मौजूद है, ये डिफरेंट टाइप्स की लिपस्टिक्स हैं आपके पास। मेरी बहन सीमा बिलाल प्लीज आ जाइए, हाँ सीमा बिलाल आप ये लिपस्टिक प्लीज़ देख लीजिए ताकि मेरा थोड़ा सा दिल वो हो जाए कि हाँ मैंने आपको लिपस्टिक दिखा दी जो मैं आपको मंगा के ना दे सकी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं मंगा के ज़रूर दे दूँ जिसने मुझसे जो बोला है, लेकिन नहीं दे पाती तो फिर मुझे वो होता है कि हाय मैंने मंगा के नहीं दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, आपको मिल जाएगी, नहीं वो लिपस्टिक्स है ही नहीं ना, वो मसला ये है कि वो लिपस्टिक्स है ही नहीं, गोदाम में होंगी वहाँ, नहीं वो लिपस्टिक आती ही नहीं, वो कहते अब आती ही नहीं, आती ही नहीं मतलब कोई रखता ही नहीं है,
तो इस वजह से ये देख लीजिए लिपस्टिक ठीक है ना, ये हमारे पास मौजूद है लिपस्टिक, ये डिफरेंट ग्लोजेज मौजूद हैं, ये लिपस्टिक मौजूद हैं, ये लिपस्टिक मौजूद हैं, इसके अलावा ये भी बहुत अच्छे ग्लोजेज हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग ग्लोजेज हैं, इसके कलर्स मौजूद हैं हमारे पास, ये ग्लोज मौजूद है, ये डबल ग्लोजेज हमारे पास मौजूद है। डबल ग्लोजेज क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये एक तरफ से पिंक है, एक तरफ से थोड़ा लाइट कलर है, ठीक है ना। अच्छा, सीमा ब्लर कह रही है इस ग्लोज का पिंक कलर लगाकर दिखाओ। किस ग्लोज का? जो हमने पहले दिखाया था, जो रेड दिखाया आपने, ये वाला कह रही है मेरे ख्याल से, ये ना आई थिंक ये यही वाला कह रही, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अच्छा बजिया कह रही है बहुत ज़बरदस्त। सीमा बिलाल रेट पता कर रही है, रेट कितने हैं इसके? ये 150 का है सीमा बिलाल, ये भी सिर्फ जस्ट 150 का है, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। अगर किसी बहन का कोई कमेंट मुझसे मिस हो जाए, आपको लगे कि मैंने वो कमेंट नहीं पढ़ा, तो प्लीज़ आप ये कमेंट दोबारा कर दीजिएगा, क्योंकि बाज़ों का चीज़ों की सेटिंग भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं, तो कमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं कैप्चर कर पा रही हूँ, हाँ ये देखिए, अब देखो ये देखें सीमा बिलाल, इट्स पिंक शेड, आ रहा ना मेरा हाथ, नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा मुझे, नजर इसमें तो आ रहा है जी जी, ठीक है। इट्स अ पिंक शेड जो मैंने आपको दिखाया था, ये 150 वाला ग्लोज है हमारे पास, 150 150। और ये लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, आप इजी होके लगा सकती हैं, इसमें कोई भी वो नहीं होगा। देखो बाजी, देखने के पैसे नहीं है, बट इट्स मैट, ठीक है, ये मैट ग्लोज है। अगेन बता दूँ, इट्स नॉट लिपस्टिक, इट्स मैट ग्लोज। मैट ग्लोज जो होता है वो लुक में बिल्कुल मैट होता है। ये सीमा बिलाल कह रही है डन, आप प्लीज़ सीमा मेरी बहन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए सीमा, हमारा नंबर पिन हुआ है यू व्हाट्सएप पर, आप उसके ऊपर मुकम्मल डिटेल अपनी सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सीमा बिलाल, ताकि आपको आसानी हो जाए। चले मैं भी खुश हो जाऊंगी कि मैंने इनको दिखा दिया। अगर आप सीमा बिलाल इस तरह की लिपस्टिक लेना चाहेंगी तो आपको लिपस्टिक भी इजीली मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आज ही आज में मैंने सीख लिया है कैमरे को इस तरह से पकड़ना और कैमरे को इस तरह मूव करना, मुझे शुरू में नहीं आ रहा था, अब मैं अपना हाथ ईजी यूज़ कर ले रही हूँ, थोड़ी सी टेक्निक यूज़ की है मैंने और मैं अब ये काम कर ले रही हूँ, ठीक है। एक ये हो गया, अगर आप लेना चाहें तो एक तो मैंने इसको अलग कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास थोड़ी सी एक्सपेंसिव बट बहुत अच्छी क्वालिटी की ये लिपस्टिक मौजूद हैं। एक्सपेंसिव यूँ कह रही हूँ क्योंकि 250 की हैं, ये सारी ही 250 की हैं, और 250 के इसलिए क्योंकि मेरे पास ये आई ही 250 की है, ये सी ले आई थी इसके पास, ये बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है ये अकेली नहीं है, ये आई, ये सील भी है ध्यान से, नहीं इसमें से एक ये मैंने खोल के रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये की लिपस्टिक सीमा बिलाल कह रही है सो डन, ठीक है। ये 250 की लिपस्टिक्स हैं, ये देखिए, और ये देखिए कि मैंने ये सेल कितने में की है, नज़र आ रही है आपको, ये मैं 250 अभी बोला है, ये कितने की हैं जी जी मोहम्मद अंसारी, हमने पढ़ लिया है, थैंक यू। अब देखिए कि इसके अंदर आप सोचते हैं कि मैं अगर एक जगह लिपस्टिक 50 की दे रही हूँ और एक जगह बोल रही हूँ 250 की है, हालांकि मैं 250 बोल रही हूँ लेकिन वो 350 की सेल की है, तो इसके पीछे रीज़न ज़रूर कोई ना कोई होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे हम आम एक क्लोथ की बात करें तो भी आपने देखा होगा कि उसमें भी डिफरेंट होती है वैरायटीज़, इसी तरह से इसमें भी डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है ना। ये हमारे पास मौजूद है 50 वाली में, एक ये भी मौजूद है, ठीक है, ये नज़र आ रही है आपको, इसके कोई कलर नहीं आने वाला, मतलब आएगा बस ऐसा ही आएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आएगा इससे। इसके अलावा मेरे पास 50 के अंदर, 50 तो ख़त्म हो, 50 तो इतनी ज़्यादा थी, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने ईद की सेल में लगाई थी, कितनी ज़्यादा लगाई थी। ये भी पिंक सीमा बिलाल, ये भी पिंक कलर की लिपस्टिक है, ये भी 50 रुपये की है, आप 50 रुपीज़ की ले सकती हैं,
ठीक है, क्योंकि इसका देखिए कैप ख़राब हो गया, वरना ये 100 की लिपस्टिक थी, मैंने खुद 100 के दिए, लेकिन इसका कैप ख़राब हो गया तो मैंने 50 कर दिए। मोहम्मद अंसारी कह रही है मदर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि बच्चे हाथ मारते हैं तो लिपस्टिक ख़राब होती है। हाँ ये नहीं, वाकई ही ये जो लिपस्टिक, ये ग्लोजेज है ना, ये ग्लोज हो गया आपका, और ये जो मैंने ग्लोज दिखाया था ये मदर्स के लिए और स्पेशली उन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है जो हिजाब करती हैं। उसका रीज़न ये है कि हिजाब के दौरान क्या होता है कि सारी जो लिपस्टिक और होती है ना, लिपस्टिक स्पेशली, लिपस्टिक तो आप कोई सी भी लगा लें, हिजाब के ऊपर आपकी लिपस्टिक लग जाती है और सारा आपका हिजाब ख़राब हो जाता है, चाहे आपने कितना भी एक्सपेंसिव हिजाब पहना हो वो हिजाब ख़राब हो जाता है। उससे बेहतर ये है कि आप ग्लोज लगाएँ, थोड़ा सा अच्छा वाला ग्लोज लगाएँ, ताकि वो ग्लोज जो है ना वो कभी भी स्कार्फ पे नहीं लगता। आजकल आप मास्क पहनते हैं, मास्क के ऊपर भी नहीं लगता, आपका मास्क ख़राब नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आपके मास्क के ऊपर ग्लोज लगेगा ना तो वो कितना गंदा मैसी मैसी लगता है, फिर आप मास्क नहीं लगा सकते। और मास्क के बगैर आपको पता है आजकल कोई भी ऑफिस में घुसने नहीं देता, आप ऑफिस के बाहर ही खड़े रह जाएंगे। वजिया कह रही है आप बकराइद पर सेल लगाएंगी? हाँ वजिया लगाएंगी ना बकराइद पे। मैं तो सोच रहा हूँ वजिया मेरी बहन की, इस दफा मैं मंडी जाऊँ, मंडी से जाके लाइव करूँ और बकरों की सेल लगाए। लेकिन इंशाल्लाह सेल लगेगी, बकराइद पे भी सेल लगेगी जरूर, बकराइद पे सेल लगाएंगे इंशाल्लाह। आपको बकराइद पे एक सेल नजर नहीं आएगी, आपको बकराइद के ऊपर कपड़ों पे सेल नजर आएगी, आपको बकराइद के ऊपर शूज के ऊपर सेल नजर आएगी, और आपको बकराइद के ऊपर और किसके ऊपर, बेडशीट के ऊपर सेल नजर आएगी। ठीक है ना, ये लिपस्टिक है, इसका कलर देख लीजिए। और कल हम आपके लिए एक और चीज़ भी लेके आएंगे, सरप्राइज नहीं, चले हम बता देते हैं, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं कल कोल्हापुरी चप्पल। हाँ कोल्हापुरी चप्पल लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये लिपस्टिक है, इसके शेड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है। ये देखिए ये डार्क शेड है, इसके सारे शेड हैं डार्क ही हैं, ठीक है, बेशक इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये देखिए ये 6 कलर ये लगा है, लेकिन अगर आप इसको खोल के देखेंगी तो आपको मोस्टली जो शेड नज़र आएंगे ये इसके डार्क शेड लगाई। और ये लिपस्टिक जो है वो हमारे पास किस ब्यूटी वालों की है, ठीक है। ये सारी लिपस्टिक मैंने दिखा दी है, और इसके अलावा अब हम कल दिखाएंगे, हमारे पास बहुत सामान है, हम फिर दिखाने में नाकाम हो गए हम कल दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए आप ये देख लीजिए, मैं आपको ओवरव्यू देके जा रही हूँ दोबारा से। ये हमारे पास मौजूद हैं कंसीलर के बॉक्सेस, ये हमारे पास मौजूद हैं सारे के सारे, ये क्या, ये हमारे पास डायोर के सेट मौजूद हैं, ये हमारे पास डील मौजूद हैं, ये हमारे पास थोड़ी सी स्किन, नहीं थोड़ी नहीं, काफ़ी सारा सामान है, स्किन केयर का बहुत सारा सामान मौजूद है, जो जिस चीज़ को देखना चाहे वो कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हेयर स्प्रे मौजूद हैं, इसके अलावा यहाँ पे सारे फाउंडेशन, यहाँ पे हेयर स्प्रे मौजूद हैं, यहाँ पे फाउंडेशन मौजूद हैं सारी की सारी। नीचे फाउंडेशन देखिए, ये आपको फाउंडेशन नज़र आ रही है, मुझे दिल नहीं कर रहा जाने का। हाँ ये सारी फाउंडेशन मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ स्किन केयर का प्रोडक्ट मौजूद है, यहाँ पे सारे आपके पास ये क्या परफ्यूम मौजूद हैं, ठीक है ना। ये आपके पास आइस का बहुत सामान है, ये वाला बॉक्स मैंने खोला भी नहीं है। एक परफ्यूम आप इनको ये दिखा दें, ये बहुत प्यारी चीज आई है, एक मिनट, ये इसका है डायर का, ये भी एक परफ्यूम मौजूद है, ठीक है। इसके प्राइस जो हैं वो सरप्राइज हैं, ये बॉक्स में निकल, असल में मैंने आपको बताया ना कुछ चीज़ें हमारी उधर से निकलती हैं तो ओरिजिनल होती हैं, ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए हमारे पास ये किट का एक कितना बड़ा बॉक्स है, और वो बॉक्स हमने कैसे भरा हुआ, यानी कि किट्स इतनी ज़्यादा हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपका फाजी नज़र नहीं आ रहा? मेरा फाजी नज़र नहीं आ रहा मुझे कलेक्शन में। फाजिन वजह यूँ नज़र नहीं आ रहा कि फाजिन जो है वो उस साइड पड़ा हुआ है, फाजिन दीजिएगा पीछे, आपके पीछे रखा हुआ है फाजिन। असल में लास्ट के दो ही बजे थे जो मैंने उस पर टेबल पे रख दिए थे, ये ले आपका फाजिन, ये रहा हाफ केजी, ये लास्ट के दो बजे थे, एक फुल केजी वाला बचा था और एक हाफ केजी वाला। ये हाफ केजी वाला बचा नहीं है, ये किसी का है, लेकिन अभी जो किसी का है ना
वो यहीं मौजूद हैं लेकिन वो उनका ही मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं और भी मंगवा लूँगी। ये देखिए, मार्जिन और चीज़ें जो आपको चाहिए वो तो आपको जितना स्टॉक चाहिए इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये आपको एक लेना है तो आप एक भी ले सकती हैं, और अगर आपको ये 50 लेना है तो आप 50 भी ले सकती हैं, कोई इतना इशू ही नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टॉक आ जाएगा, कोई लेके इसलिए नहीं रखा हुआ चूँकि जो है, वो हमारे गोदाम में है। हाँ वो यहाँ पे नहीं है, वो गोदाम में मौजूद है। यहाँ पे बस इतना ही सामान है क्योंकि रूम छोटा है। देखिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जब अपना घर सेट करेंगे और इंशाल्लाह करेंगे, 2 साल लगेंगे इंशाल्लाह, 1-2 साल में, तो फिर हम जो है वो आपका अपना एक पूरा आउटलेट बनाएंगे जहाँ पे हमें मिट्टी का मसला ना हो। ये मिट्टी के मसले ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है, इस वजह से हमें सेटिंग चेंज करना पड़ गई है। ठीक अच्छा है, भैया, जाते जाते प्लीज़ आप बता दीजिएगा मेरी बहन के फाजिन का रिव्यू लोगों को बता दीजिए, ताकि जो लोग हमारे साथ न्यू हैं उनको भी पता चल जाए फाजिन का रिव्यू क्या है। आप यूज़ कर रही हैं माशाल्लाह? मोहम्मद अयमन अंसारी भी यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे शिमाइला फहद यूज़ कर रहे हैं, ये सब फाजिन यूज़ कर रहे हैं, ये सब बता सकते हैं। मुझे भी चाहिए, सीमा बिलाल के लिए मुझे भी चाहिए फाजिन। सीमा बिलाल आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अच्छा सीमा बिलाल, मेरी बहन बताइएगा, एक हाफ के जी में है वो 550 का है, और एक है 1 kg में, ये है 950, नहीं 850 का, 850 सॉरी 850 का है। अगर आप 1 kg लेंगी तो उसमें आपको फ़ायदा है, और अगर आप हाफ के जी लेंगी तो वो 550 का है, और 1 kg है 850 का। ये 850 का है, 850, और ये है 550 का, छोटा वाला जो है ना वो 550 का है, तो आप दोनों में से कोई से भी ले सकती हैं, हमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इसमें फ़ायदा है, आप यकीन जाने मुझे तकरीबन तकरीबन 4 महीने हो गए हैं स्टार्ट किए हुए इसको, और अभी भी मेरा 30%, हाँ 30% यूज़ हुआ है। मुझे लगता है कि ये मैं एक पूरे साल चला लूँगी। किसी ने मुझसे पूछा कि दो चार, किसी ने मुझे ऐसे ही एडवाइस किया अभी परसों ही कि ऐसा करो, 1-2 महीने के लिए फाजिन छोड़ के देखो कि फाजिन छोड़ोगे तो क्या इसका इफ़ेक्ट आएगा। तो मैंने कहा कि मुझे फाजिन छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, वजह यह है ना छोड़ने की, क्योंकि जाहिर बात है आपको जब एक चीज़ अच्छी लग गई तो उसे छोड़ने की क्या बात है। एक चीज़ हमारे बालों को सूट कर रही है कंटिन्यू, तो हमें इसको छोड़ने का कोई रीज़न ही नहीं है कि भाई अगर कोई हमें परेशान कर रही है, मेरे बाल इतने स्ट्रांग हो गए माशाल्लाह से उसकी वजह से, तो मुझे छोड़ने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम 1 साल यूज़ कर लेते हैं फॉर सपोज, और ये सोचें कि हम छोड़ देंगे, मतलब अब मेरे बाल अभी मैंने बीच में किसी वजह से तकरीबन 15-20 दिन नहीं भी लगाया। वजह क्या थी कि थोड़ा सा ना इशू ये था कि वो बस बता नहीं रही, लेकिन बहरहाल मैं नहीं लगा सकी वो फाजिन। तो उससे क्या हुआ कि वो मेरे पास मैं जब मतलब जहाँ मुझे इस्तेमाल करना हो रहा था वहाँ पर मौजूद नहीं हो रहा था, तो जब मैं लगा नहीं सकी 15 दिन, तो उससे क्या हुआ कि मैंने वो नहीं यूज़ किया। लेकिन उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हों या डैमेज हो गए हों, मेरे बाल वैसे ही स्ट्रॉन्ग थे अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगेन मैंने ये दोबारा से अभी शुरू किया है। बस ये कह रही है मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ थे, पर आप यकीन नहीं करेंगे इतने ज़्यादा सीधे हो गए हैं और सिल्की माशाल्लाह। सीमा बिलाल मेरी बहन, आप ये रिव्यू पढ़ सकती हैं हमारी भजिया बहन का, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बातें हैं, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको वाकई पहली दफ़ा में ही फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको प्रॉपर यूज़ कर रहे होंगे, जो उसका एक टाइम पीरियड है 8 महीने, 8 महीने आप उसको यूज़ करेंगे। देखें बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे भी हैं, बाल स्ट्रेटनर ऐसे भी हैं जो आप एक दफ़ा लगाएंगे और आपके 2 महीने के लिए वो बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन वो बाल इस कदर कमज़ोर कर देते हैं आपके, इतनी उसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं बालों की कि आप हैरान तो अलग चीज़ है, आप परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। हैरान तो आप उससे होते हैं जब बाल स्ट्रेट हो गए, लेकिन परेशान आप उससे होते हैं जब आपके सर पे बाल कंघी के अंदर टूट टूट के आना शुरू होते हैं। फाजिन ऐसी चीज़ है कि आप उसको रेगुलर 8 महीने यूज़ करें, और 8 महीने के बाद आप सिर्फ ये भी देखेंगे कि आपके बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, बल्कि आप ये भी देखेंगे कि मजबूती भी आ रही है और वो घने भी हो रहे हैं, लंबे भी हो रहे हैं। ये एक मुकम्मल हेयर ट्रीटमेंट मौजूद है इसके अंदर। हाँ ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, वाजे तौर पे लिखा हुआ है ये हेयर केयर ट्रीटमेंट है। देखिए नज़र आ रहा है आपको, इट्स अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। ठीक है,
अच्छा वजह कह रही है जब बाल वॉश करते हैं ना तब ही दिल खुश हो जाता है। सही बात है वजिया, आप यकीन जाने आप जो लफ्ज कह रही है मेरा ये मेरे दिल के अल्फाज हैं। जब हम बाल वॉश करते हैं ना हमारा दिल तभी खुश हो जाता है, इतना खुशी होती है बालों को हाथ में पकड़ के, मतलब आप यकीन जाने बालों के अंदर जैसे हम अपनी उंगलियां डालते हैं ना इतनी खुशी से होती है कि ना हमारे बाल इतने स्मूथ हो गए हैं इस पहले ही वॉश से। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेट नहीं भी होंगे तो जो खूबसूरती बालों में ऐसे आई है ना वो आपको वैसे ही खुश कर देगी। और अगर इसके बाद अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटनर यूज़ कर लें, फॉर सपोज शादी में जा रहे हैं, स्ट्रेटनर यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताऊँ शादी में जाते हुए कर लें लेकिन आमतौर पर नहीं करना चाहिए। तो आप वैसे भी आप यूज़ करें स्ट्रेटनर, तो स्ट्रेटनर यूज़ करेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वाओ इससे तो ऐसा ज़बरदस्त कोई इफ़ेक्ट आ रहा है कि फिर आपके बाल एक तो स्ट्रेट नज़र आएंगे, ऊपर से आपको नज़र आएगा कि वो सारे के सारे जो बाल थे वो बहुत ज़्यादा हसीन हो गए हैं। ठीक है जी, आप हमें इजाज़त दे दीजिए। ये डील्स हैं, सारी की सारी डील्स पढ़नी है, किसने डील्स देखनी है तो वो डील्स भी देख सकता है, मैसेज में पूछ सकता है। ठीक है, ये हम सारा आपको मैं डील्स इंशाल्लाह कल डील्स दिखाएंगे। हमारे पास कोल्हापुरी चप्पल है बहुत ही मुनासिब रेट के अंदर और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बहन कुछ प्रोडक्ट देखना चाहे किसी भी हवाले से, स्किन केयर, लिप केयर या किसी भी हवाले से कोई प्रोडक्ट देखना चाहती हैं तो हमें व्हाट्सएप पर वो हमें कमेंट करके बता सकती हैं, तो व्हाट्सएप पर बता सकती हैं, मैसेंजर पर बता सकती हैं कि जी हमें ये प्रोडक्ट देखनी है तो हम कल लाइव सेशन में उसको वो प्रोडक्ट दिखा देंगे। ठीक है, और जहाँ तक रिव्यू की बात है, वजिया ने रिव्यू का बोला तो इंशाल्लाह कल हम वो रिव्यू भी आपको दिखाएंगे। वो इसके उसने कहा आपने ब्रश के ज़रिए सेट करने का बताया फाउंडेशन, तो वजिया इंशाल्लाह कल मैं आपको ब्रश के ज़रिए फाउंडेशन सेट करने का तरीका कंप्लीट बताऊँगी। ठीक है डियर। ठीक है जी, अब हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा जब अच्छा जो पुराना मैसेज है कमेंट है, अच्छा वजह कह रही है ऐसे बाल स्लिप होते हो रहे होते हैं माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह ताला सबको मतलब के सबके बाल सबकी स्किन सबको बस अपने अपने स्किन का ख्याल रखें, अपने स्किन का ख्याल इसलिए रखें क्योंकि जब तक हम खूबसूरत दिखेंगे, चूँकि जाहिर बात है खूबसूरत दिखना हर लड़की का हक होता है, तो हम खूबसूरत दिखेंगे तो अच्छा लगेगा, हमें खुद भी अच्छा लगेगा खूबसूरत दिखने। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की का हक है, लड़कों का भी है। तो मेरी बहनों अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड्स के लिए, और जो बहनें मैरिड नहीं है वो अपने भाइयों के लिए, बाबा के लिए, वो हमसे प्रोडक्ट ले सकती हैं स्किन केयर के हवाले से, हेयर ट्रीटमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से वो हमसे अपने भाइयों के लिए, घर वालों के लिए, जो मेल्स हैं उनके लिए प्रोडक्ट ले सकते हैं। ठीक है, स्किन केयर की देखिए कितनी सारी प्रोडक्ट मेरे पास मौजूद है स्किन केयर की, और ये तमाम प्रोडक्ट स्किन केयर की वो मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की हैं। ठीक है जी, आप हमें इजाज़त दे दीजिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 1:22 हो रहे हैं तकरीबन, हमें 1.5 घंटा हो गया है। अब हम थोड़ी सी सेटिंग और करेंगे, आप लोगों के नाम की आगे जो शेयरर आया है उसमें एक सीमा है, वजीहा है, मोहम्मद अहमद अंसारी है, एंचू माला है, इनके नाम आज में ऐड हो गए हैं। तरीका मैं कल बताऊंगी, आज मैं आपको ये सेटिंग दिखाना चाहती थी, कल शुरू में मैं तरीका बताऊंगी वो, और फाउंडेशन लगाने का तरीका बताऊंगी, और फाउंडेशन लगाने का तरीका इस प्राइमर के साथ बताऊंगी, मतलब जो आपने कभी यूज़ करा ही नहीं होगा, सिर्फ 5 रुपये के प्राइमर के साथ। ठीक है ना, तो ये 5 रुपये के प्राइमर के साथ मैं आपको फाउंडेशन लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से 5 रुपये के प्राइमर के साथ आप फाउंडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब जी आप हंस रही हैं, आपने नोट किया होगा हमारी जो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं वो हमेशा खवातीन की साइड ले रही होती हैं, मर्दों की साइड हमेशा मैं लेता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे अच्छा दिखना, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा दिखूँ, अब मैं मेरी जो स्किन है वो साफ़ सुथरी रहे, मैं धूप में निकलता हूँ मैं चाहता हूँ यार मेरी स्किन बर्न ना हो, तो जारी बात है मेरे तो और भी मर्द होंगे बेचारे जो बोल नहीं सकते, तो उनकी साइड में ले लेता हूँ थोड़ी सी। सही सही, अच्छा है, आदमियों को भी खूबसूरत दिखना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है, वो भी हैंडसम नज़र आ सकते हैं, बल्कि नज़र आना चाहिए, उनको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, अब इजाज़त दीजिए हमें, हमारी लाइट बंद कर दी हमारी वीडियो, हाँ वो हमसे लाइट बंद हो गई है। ठीक है जी, बशर्ते सेहत बशर्ते ज़िंदगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नए दोस्तों के साथ, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसने कुछ भी देखना हो वो हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, अगर कोई बहन
हमारा रिकॉर्डिंग सेशन देखना है और उसमें से कोई चीज़ उनको समझ आए तो वो स्क्रीन शॉट लेके हमें नंबर पिन हुआ हुआ है, आप उस नंबर पे विद डिटेल हमें सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। हैदराबाद की DC 100, कराची DC 200 और बाकी सिटीज़ की 250 DC है। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।